हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शबी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी आप समर सीजन में डे और नाइट के लिए अपनी स्किन के लिए मॉइस्चराइजर या क्रीम कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही अनएक्सपेंसिव क्रीम है गाइस, आप घर पर इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसके बारे में बता दूंगी। ये बहुत ही आसान है, 1 या 2 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। बहुत आसानी से ये बन जाता है, इससे आपकी स्किन जो है वो ख़राब नहीं होगी। आपको डे और नाइट दोनों के लिए इसे बनाना है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको एक एम्प्टी कंटेनर ले लेना है, आपके घर में जो भी आपको खाली छोटा सा कंटेनर मिले आप उसे ले लें। उसके बाद आपको एलोवेरा जेल ले लेना है, आप कोई भी कंपनी का ब्रांड का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद आपको एक सनस्क्रीन इस्तेमाल कर लेना है, मैं लैक्मे सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें 24 PA++ है, जिससे ये आपको धूप से बचाता है और आपके स्किन को ग्लोइंग बना देता है, इसलिए मैं ये सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी स्किन के हिसाब से सूटेबल सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको एक स्टिक चाहिए जिससे आप इसे मिक्स कर सकें। आपको एक सेफ्टी पिन चाहिए। इसके बाद आपको विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए, ये बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं, ये बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल सकते हैं। ये 24 रुपीज़ का है गाइस, आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपने कंटेनर को ले लेना है और उसमें 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लेनी है, इस तरह से। अब इसे आप अपने कंटेनर में रख ले। आप इसे कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं, इसे अपने कंटेनर में डाल लें। इसके बाद आपको अपना विटामिन ई का कैप्सूल ले लेना है और अपनी सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें एक छोटी सी पिन करना है, जिससे कि इसका लिक्विड जो है वो बाहर आ सके। इस तरह से इसे पिन कर ले, बहुत ध्यान से इसे करें ताकि आपके हाथ पे ना लगे। अब इस तरह से आप इसे कंटेनर में पोर कर ले। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप न्यूट्रोजिना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर ले। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो विटामिन ई का कैप्सूल आपके लिए बहुत अच्छा है, अब थोड़ा इसे इस्तेमाल कर ले। अगर ड्राई भी ऑयली स्किन भी है तो थोड़ा इसे इस्तेमाल कर ले। अब अच्छे से इसे स्टिक से मिक्स कर ले। मैं इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और डाल रही हूँ, इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो गाइस, ये तो बन गया आपका नाइट क्रीम। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी में ये आपको मिलेगा। आप सोने से पहले फेस वॉश करके आप इसे लगा सकते हैं, इससे आपकी स्किन जो है वो ख़राब नहीं होगी। अब डे क्रीम के लिए आपको क्या करना है, इसी मिक्सचर में आपको अपना सनस्क्रीन ऐड कर लेना है, ताकि ये धूप में आपकी प्रोटेक्शन करे। थोड़ा सा इसमें सनस्क्रीन ऐड कर ले, इस तरह से। और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। आप थोड़ा सा अलग निकाल कर डे और नाइट की अलग अलग क्रीम रख सकते हैं गाइस। आप इसे बहुत 2 या 3 महीने के लिए आसानी से रख सकते हैं। आप रेफ्रिजरेटर में भी इसे फ्रीज कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से टिक जाता है, ख़राब नहीं होता है। आप अलग अलग इसे बना सकते हैं। ये हो गया आपका डे क्रीम, ये इस तरह से दिखेगा। ये बहुत ही अच्छा है, किसी भी एक्सपेंसिव क्रीम से अच्छा है। आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, आपकी स्किन को ख़राब होने से बचाएगा, सन टैन से बचाएगा। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है गाइस, यू शुड मेक इट। आप घर पर इसे ज़रूर बनाकर स्टोर कर सकते हैं 2 या 3 महीने के लिए, आप फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।